मुंबई से अभी अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई के लोकल ट्रेन में एक युवक सिगरेट पीता हुआ शान से पकड़ा गया। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ठाणे के करजत जाने वाली लोकल ट्रेन में धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया है। ये व्यक्ति विकलांग व्यक्तियों के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। बता दें कि ट्रेनों में धूम्रपान सख्त वर्जित है और दंडनीय अपराध है। इस वीडियो को देखकर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक शख्स आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ है जबकि गले में हरे रंग की दुपट्टा पहने हुए है। वह अपना सिर नीचे करता है और लोकल ट्रेन में अपने सिगरेट जलाता है। पुलिस के डर से बिना शख्स अकड़ में धूम्रपान करते देखा जाता है। सिगरेट जलाने के बाद माचिस की तीली को खिड़की से बाहर फेंक देता है और डिब्बे में सफर कर रहे यात्रियों की परवाह किए बगैर अपना काम करता रहता है। गौरतलब है कि रेलवे अधिनियम की धारा 167 निर्दिष्ट करती है कि सह यात्री का निषेध या आपत्ति के बावजूद डिब्बे में धूम्रपान करते पाए जाने पर 200 रुपया तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिक स्मोकिंग करने से कैंसर होने का खतरा अधिक ही होता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के डॉक्टर ने स्टडी के सामने आया है कि स्मोकिंग करने वाले पुरुषों के स्मॉल सेल लंग कैंसर होने का संभावना बेहद अधिक होती है। स्टडी में सामने आया है कि इस तरह के कैंसर में फेफड़े के ऊतकों की घातक कोशिकाएं बनती है। यह ब्रोंकाई यानी सांस नलियां से शुरू होती है। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। यही स्टेट मेटास्टेटिस कहलाती है।